अभी मुक्तेश्वर आनंद जी महाराज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप शंकराचार्य हैं ज्योतिष पीठ के, आपका बहुत स्वागत है शंकराचार्य जी। और मेरा पहला सवाल आपसे यही है, जिस तरह के हालात बने हुए हैं, सबसे पहली प्राथमिकता सरकार की क्या होनी चाहिए जोशीमठ को बचाने के लिए? देखिए, सबसे पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि लोगों के भीतर विश्वास भरा जाए, उनको इस बात का भरोसा हो कि कोई है जो हमारे लिए सोच रहा है, जो सक्षम है, हमारे प्राणों की रक्षा कर देगा। और जीवन भर की कमाई लगा करके जो हमने घर मकान दुकान बनाया है, अगर ये टूट भी जाएगा तो इसकी भरपाई हमारी हो जाएगी। इस बात का भरोसा अगर सरकार दिला देती है तो लोगों को बहुत राहत मिलेगी। भरपाई करने के लिए या इसकी जो मांग है उसको लेकर भी अलग अलग तरह के यहां पर विचार सामने आ रहे हैं, क्योंकि मुआवजे की राशि को लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं उस पर आऊंगी, लेकिन जिस तरह के हालात बने हुए हैं, आप तो करीब से जानते हैं उत्तराखंड को, वहां पर किस तरह से शंकराचार्य पीठ अलग अलग हिस्सों में लोग पूजा पाठ के लिए जाते हैं, अगर जोशीमठ में इस तरह के हालात पैदा हो गए हैं तो उसके लिए जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? देखिए, जिम्मेदारी की तो बात यह है कि तय होनी ही चाहिए। अपने देश में तो जिम्मेदारियां तय नहीं होती हैं, केवल नाम पूछ लिया जाता है और कोई लोग कह भी देते हैं, लेकिन हमारा ये कहना है कि ये बहुत ही कठिन समय है, जिम्मेदारी तय करने का समय बाद का रखा जाए। अभी तो पुनर्वास, बचाव और लोगों के मन में भरोसा स्थापित करने की कोशिश होनी चाहिए। बिल्कुल, लोगों के मन में भरोसा पैदा करना होगा ताकि उनके दर्द को बांटा जा सके। मेरा अगला सवाल है शंकराचार्य जी आपसे, पहाड़ों के अपने कुछ नियम होते हैं, वहां पर प्रकृति बहुत सारे फैसले खुद के तरीके से करती है, ऐसे में जो ज्यादा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी भी सवाल खड़े कर रही है, क्या आपको भी लगता है कि ज्यादा कंस्ट्रक्शन की वजह से वहां पर हालात खराब हो रहे हैं और इस पर रोक लगनी चाहिए? अब ये प्रश्न ऐसा है जो उत्तर ही है। सच बात यही है कि पहाड़ों में प्रकृति बसती है और हमने प्रकृति के साथ खूब छेड़छाड़ की है, इतनी छेड़छाड़ कि जैसे कोई किसी को उकसाने के लिए करे। तो जब हम इतनी छेड़छाड़ प्रकृति के साथ कर रहे हैं तो उसमें भी तो प्रभाव पड़ेगा। आप बताइए, 1976 में जब भूकंप आया था और जब वहां पर भूदशाओं आदि घटनाएं हुई थी, तभी मिश्रा कमेटी बनाई गई थी। बिल्कुल। और मिश्रा जी वहां पर कमिश्नर के रूप में तैनात थे, उनको वहां का पर्याप्त अनुभव था और उन्होंने ये कहा था कि ये जोशीमठ का पूरा इलाका ग्लेशियर के ऊपर बसा हुआ है, भुरभुरी जमीन के ऊपर बसा हुआ है, ठोस चट्टाने नहीं है इसके नीचे, इसका आधार बहुत ही कमजोर है, अगर कुछ छेड़छाड़ की गई भविष्य में तो बहुत बुरे परिणाम होंगे। लेकिन इन सबको देखते हुए भी परियोजना बना दी गई और जोशीमठ के नीचे से ब्लास्टिंग पर ब्लास्टिंग शुरू हो गई। बिल्कुल। और सड़क का भी काम उसी तरह से चल रहा है, एक साथ कई विस्फोट किए जा रहे हैं। तो ये जो छेड़छाड़ की जा रही है, एक तरह से उखाया जा रहा है प्रकृति को जी। तो प्रकृति अपना रूप तो दिखाने ही वाली है, तो निश्चित रूप से ये प्रश्न जो है अपने आप में जवाब है। ये बड़ी बातें आप कह रहे हैं। आपने हमारी मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट का यहाँ पर जिक्र किया है शंकराचार्य जी, ठीक है, 1976 की उस मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट का आपने जिक्र किया है जिसने जोशीमठ को लेकर पहले ही आशंका जताई थी। अगर हम हाल ही में देखें, 1980 में बीजेपी बनी, हालांकि उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, एक तरीके से कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ही सरकारें रही हैं उत्तराखंड में। जोशीमठ को लेकर या उत्तराखंड को लेकर ज्यादा संवेदनशीलता या ज्यादा गंभीरता किस सरकार में नजर आती है आपको? अब आपने प्रश्न में ही कह दिया कि दोनों पार्टियों की सरकारें रहीं। अगर दोनों पार्टियों की सरकारें रहीं तो दोनों पार्टियों ने जो कुछ वहां पर हो रहा है उसको आगे बढ़ाया। तो विकास, कौन मना करता है कि विकास ना हो? विकास तो एक सतत प्रक्रिया है, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप विकसित हो रहा है। एक बच्चा छोटा सा पैदा होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, उसकी बुद्धि का विकास होता है, उसके बल का विकास होता है, उसके शरीर का विकास होता है, उसके मन मस्तिष्क का विकास होता है और उसके अगल जो भौतिकता है उसमें भी विकास परिलक्षित होता ही है, होना ही है वो तो। लेकिन वो विकास उसी रूप में होना चाहिए जैसे शरीर क्रमशः तिल तिल करके बढ़ता है और एक दिन बहुत बलिष्ठ दिखाई देने लग जाता है। इसी तरह का विकास किया जाना चाहिए, ये नहीं कि रातों रात हम खींच करके तान करके बच्चे को बड़ा कर देंगे। आप चाहते हैं कि विकास हम करें और हम विकास पुरुष कहे जाएं और हम जो का हमारा कार्यकाल है उसी में हम सारा विकास जनता को दिखा दें, ये जो आपकी भूख है
जिसके कारण कार्य करने वाले कार्यदायी संस्थाओं पर और अधिकारियों पर दबाव आता है कि नेताजी चाहते हैं कि जल्दी काम हो, और इसलिए वो अंधाधुंध काम शुरू करते हैं, और अंधाधुंध काम करने के समय में ये सब समस्याएं हो जाती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब तो कम से कम ये समय आ गया कि हम लोग ये तय करें कि हमें जो सिमट चाहिए कि उसके नीचे जा रही सुरंग चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका आज तक से जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को आप सुन रहे थे। उनकी ओर से कहा गया कि विकास एक सतत प्रक्रिया होती है, लेकिन उसमें प्रकृति के नियमों का ख्याल रखा जाना चाहिए।